जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर रखा है, तो आगे हम 25 से आगे हम डिस्कस करेंगे आज। तो ध्यान से डिस्कस करना, अब जो जो हमने कल कराया उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज करना और ट्राई करना कि आज उसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जितना कम इन्फॉर्मेशन, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन देखो बार बार पूछ रहा है, कैसे हाउसिंग का पैटर्न कैसा था, यानी कैसे कैसे हाउस बने थे, किस किस चीज से बने थे। उसके बाद यहाँ पे देखो रिलीजन से क्वेश्चन पूछा हुआ कि कैसे कैसे रिलीजन फॉलो होते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से भगवान की पूजा का वर्शिप करते थे। तो सिंपल आपको पता है भाई, एक दो चीज तो आप देखो, इंद्र की पूजा आपको पता है ऋग्वेद में होना शुरू हुआ, इंद्र अग्नि सोमा, विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान की पूजा तो और बाद में शुरू हुई है ना। तो उस समय कौन सी भगवान की पूजा होती थी, पशुपति की, क्लियर। और पशुपति कहाँ पे मिला, सील्स पे मिला है, क्लियर, सील्स पे मिला है। पशुपति को हम प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, शिव जी का एक एक रूप बोल सकते हैं। और ये मिला कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, यह मोहन जोदारो में एक्चुअली मिला है, मोहन जोदारो, क्लियर, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मोहन जोदारो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही लिखा हुआ है आपको, अब देखना है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान इन द सेंस कि थोड़ा सा आप ट्राई करना कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले पता है ना उससे कलेक्ट करने का शुरू करना, उससे कंप्लीट करने का शुरू करना। सबसे पहले देखो मोहनजोदारो, हमें पता है भाई कल ही मैंने बताया था ग्रेट बात तो मोहनजोदारो में ही है। तो अब देखो ए चार में कहाँ है, तो आपको पहले ही आंसर मिल गया, आगे जाना ही जरूरी नहीं है। फिर भी हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, लोथल, लोथल सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, पोर्ट सिटी है वहां पे, क्लियर। कालीबंगन, कालीबंगन में जो सबसे फेमस चीज है मैंने बताया था क्या 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 है, वहां पे प्लाउ फील्ड मिला है, जोते हुए खेत मिले हैं, क्लियर। और कालीबंगन से क्या मिला है वो भी हमें पता है, वो मिला है जैसे डेकोरेटेड ब्रिक वगैरह मिला है, फायर अल्टर्स मिला है। तो ये कालीबंगन में प्लाउ फील्ड हो गया। और उसके बाद हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मिली है, जो प्रिस्ट का स्टैचू, ध्यान देना प्रोटो शिवा और प्रिस्ट का स्टैचू दोनों अलग अलग है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलो आगे चलते हैं, और बी का वन, चलो सब सही है, चलो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चीज आपको कहीं कहीं पे ध्यान देना, कहीं कहीं पे एक कंफ्यूजन है यार, या ध्यान देना, हरप्पा जो स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मिला है ना, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में स्टैचू ऑफ प्रिस्ट को, जो एक स्टेरेटाइट का स्टैचू नहीं, जिसको हम प्रिस्ट किंग बोलते हैं, बियर्ड मैन टाइप का, वो मिला है मोहनजोदारो में। लेकिन देखिए क्लियर, ये मान लो इस पे मुझे कंफ्यूजन है, इस पे मुझे कंफ्यूजन है तो भी मैं यही आंसर लगा दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना मोहनजोदारो का द ग्रेट बाथ है, और कालीबंगम का मुझे पता है प्लाउ फील्ड है, तो इन दोनों को देखते तो बाकी ये तो हमें लगा ही देना होगा कि एक बचा तो एक यही होगा, क्लियर। तो इसका मतलब स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मोहनजोदारो के अलावा हरप्पा में भी मिला होगा, इसका ये बात है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है, हाउ वेयर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज, मतलब जो शहर शहर थी, क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो उसकी स्ट्रीट जो उसकी सड़क थी कैसी थी भाई। आप देखो स्लीपरी को, मतलब आप लगता है कि अगर ऐसा कोई खराब सड़क होगा, स्लीपरी होगा, तो उसकी बात चलेगी, वो तो बुराइयों में आ जाएगी ना, क्लियर। देखो कभी भी क्लियर, तो इसका सबसे देखो नैरो एंड कर्व, मतलब ऐसी ऐसी होती, मतलब अगर मान लो ऐसी होती तो कभी जो चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की खराब थी उनके बारे में बात ही नहीं हुई होगी, स्ट्रीट के बारे में बात है कि ये तो वाइड था, स्ट्रेट था, ऐसे घूम जाता था, और एक 90 डिग्री के एंगल पर कहीं मोड़ना होता था तो, और उसका ड्रेनेज सिस्टम काफी बढ़िया था, ये सब बात है, क्लियर। तो हमारा 28 भी हो गया, क्लियर। हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना पता हुए भी ट्राई करने का, क्लियर। अब देखो सिंपल पूछा हुआ, पता यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है द रूइंस रूइंस ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो वेर फाउंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक, क्लियर। तो देखो हरप्पा का कौन से रिवर बैंक पे, हरप्पा का तो मुझे पता है रवि रिवर, और मोहनजोदारो का लेकिन मुझे पता है मोहनजोदारो कौन से रिवर पे है, लेकिन मोहनजोदारो मुझे पता है इंडस रिवर पे,
क्लियर। सी ऑप्शन है ब्यास, तो ब्यास पे तो कोई मुझे मिला ही नहीं, मतलब इसमें ब्यास पे दिखा नहीं, इन दोनों में तो ब्यास नहीं है। ए और बी, डी ऑप्शन है ए एंड बी, तो दोनों ना होगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन दिया है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडस रिवर पे, क्लियर, सिंध में, पाकिस्तान में, और जो हड़प्पा थी वो कहाँ पे है, रवि रिवर के किनारे, क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सा स्क्रिप्ट था, ध्यान देना, स्क्रिप्ट कौन सा था, स्क्रिप्ट भाई, अगर स्क्रिप्ट हमें जैसे मान लो तमिल, खरोष्टी, और डी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी ऑप्शन है अननोन, भाई अगर ऐसा कोई स्क्रिप्ट रहता भाई, हम डिसाइपर कहीं नहीं पाए हैं, और खरोष्टी ब्राह्मी इनको तो हम डिसाइपर कर पाए हैं, तो अगर ऐसा कुछ खरोष्टी या ब्राह्मी रहता तो हमें तो पता चल गया रहता, लेकिन हमने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसाइपर ही नहीं किया है, क्लियर, हम लोग नहीं पता कर पाए हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। चलो एक चीज आप लोग इन तीन टर्मों के बीच डिफरेंस समझ लेना, इन तीन टर्मों के बीच, एक है प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एंड, और एक है प्री हिस्टोरिक, क्लियर, प्रोटो प्री एंड हिस्टोरिक, ध्यान देना, तीन चीज है ना, तो उन तीनों के बीच आप देख लेना कि आप तीनों को मतलब आता है पता है कि नहीं, वो तीनों का मतलब आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना, आपने पढ़ा होगा जो स्टार्टिंग वाले में ही, क्लियर, और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आगे, और इवन इवन लूसेंट वाले में भी मैंने कराया है, तो आप एक बार यू देख लेना। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो एक में ये था, ध्यान देना, मैं एक बार बताता हूँ कि पहले पीरियड में क्या था, पहले पीरियड में ना हमें पढ़ने आता था नहीं, और ना हमें लिखने आता था। सेकेंड है, मतलब पहले पढ़ने, इसका मतलब क्या है, उस समय का कोई सोर्स हमें ऐसा मिला ही नहीं, लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ कोई सोर्स नहीं मिला, मतलब उस समय के सामान मिले हुए हैं, स्टोन मिले हुए हैं। सेकेंड पीरियड था, सेकेंड पीरियड था जिसका मतलब लिखा हुआ मिला है लेकिन हम डिसाइफर नहीं किए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड है जिसका हमें लिखा भी मिला है, जैसे आप बात करें ऋग्वेदिक वेदा का, और हम पढ़ भी सकते हैं, क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। पिक्टोरिक स्क्रिप्ट है इसका, पिक्टोरिक, देखो ये बहुत कितनी बार कर चुके हैं हम इसको। कौन सा एकमात्र सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विदाउट फोर्टिफिकेशन है, भाई मैंने कहा था, बताया था ना, कहाँ पे साइटेडल नहीं है, क्योंकि साइटेडल कौन है, अपर टाउन, अपर टाउन भाई, अपर टाउन नहीं है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि भाई उसके पास फोर्टिफिकेशन नहीं हो रही है, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट नहीं बना पा रहे, तो हमने बताया था ना छानूदारो, तो छानूदारो के बारे में और क्या नहीं पता है, छानूदारो के बारे में और क्या पता नहीं, साइटेडल नहीं था लेकिन इंकपोट वहां पे मिला है, मेटल वर्क्स वहां पे काम मिला है, इवन इवन टेराकोटा का ब्लॉक काट भी मिला है, ब्रॉन्ज का ट्वाय काट भी मिला, ये सब मिला है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है। चलो और आगे चलते हैं, चलो आगे, ये तो नॉर्मल, बिगेस्ट बिल्डिंग सबसे, और देखो हुच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग कौन है, ये आपको बताना है, ग्रेट बाथ, ह्यूज हॉल, ग्रेनरी या टू स्टोरी बिल्डिंग। देखो मान लो, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ क्या मोहनजोदारो के, इसका मैंने नाम नहीं सुना, ह्यूज हॉल का मैंने नाम, असेंबली हॉल का मैंने नाम सुना है, लेकिन ये असेंबली हॉल का मैंने हड़प्पा में नाम सुना है, इवन मोहनजोदड़ो में भी नाम सुना है, लेकिन इतना नहीं, हर असेंबली हॉल बहुत ह्यूज नहीं था, क्लियर, क्योंकि मुझे, मैंने इन दोनों का नाम सुना है अच्छे से, ए और बी का। अब मुझे बताइए ग्रेट वॉथ को बिल्डिंग कौन बोलता है, कौन बोलता है, मैं तो नहीं बोलूंगा, तो ग्रेनरी करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वॉथ कहाँ पे मिला था, ऑब्वियसली कितना आसान क्वेश्चन है, इसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जान लेना। मोहनजोदड़ो, चेंजिंग रूम भी थे, देखो आसपास में चेंजिंग रूम भी थे, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और चीज ग्रेट वॉथ का आप समझ लेना, ऐसा नहीं कि भाई डेली डेली नहा रहे हैं, नहीं, रिलीजियस पर्पज था मेन, इट वॉज पब्लिक वाटर टैंक यूज फॉर द रिलीजियस पर्पज, जैसे आप मान लो हरिद्वार, जैसे आप बात समझते हो हरिद्वार समय जो जल लोग जाते हैं रिलीजियस पर्पज के लिए नहाते हैं, क्लियर। कौन सा स्टैचू, हुज स्टैचू वॉज इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो नटराज आप सबको पता है चोला के समय का है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बुद्धा, भाई बुद्धा तो बुद्धिज्म के बाद आना चाहिए था ना, अभी क्या करने आगे, ये भी इनकरेक्ट है।
नरसिम्हा भाई, नहीं नरसिम्हा, क्लियर? नरसिम्हा यार, ऐसी बात कैसे इस समय हो सकती है? नर और सिम्हा यानी एनिमल और ह्यूमन बींग के साथ वाला कोई स्टैचू, इस समय बात ही नहीं हो रही थी भाई। नरसिम्हा तो आपको पता है किसी भगवान के अवतार है, तो उस समय भगवान जैसा नाम चीज था ही नहीं, तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं ना यहाँ पे डांसिंग है। देख लो बाकी ऑप्शन कितने फालतू ऑप्शन लिखे हुए हैं, वो देख के आप हटा सकते हो। जो एक और चीज, डांसिंग गर्ल एक्चुअली ब्रॉन्ज की बनी थी, ब्रॉन्ज डांसिंग, ये न्यूड ब्रॉन्ज डांसिंग। इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग एंटरटेनमेंट वगैरह का के लिए ये सब किया करते थे, क्लियर? डांसिंग पोजीशन में बैंगल्स, बैंगल्स थे, इसका मतलब हमें पता चलता है जो उस समय सजाने वगैरह के लिए बैंगल्स का यूज किया जाता था, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेज, मदर गॉडेज का किससे रिलेटेड है? आर्यन भाई, नहीं मेडिटेरेनियन भाई, किसकी मैंने सुना भी नहीं। वैदिक, वैदिक में नहीं, वैदिक में काऊ का बहुत ज्यादा पूजा होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मदर गॉडेज टेराकोटा कहाँ से मिला है? एक्सकवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से मिला। आर एविडेंट द फैक्ट दैट मदर गॉडेज वाज द चीफ डीटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर? मदर गॉडेज के फोटो था, मतलब स्टैचू मिला है, स्टैचू, क्लियर? किसी पर्टिकुलर मतलब उस उनका खिल, ऐसे नहीं लोग बर्तन थी सामान बना लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या थी इंडस इसकी इकोनॉमी की? मैं ये कल भी क्वेश्चन किया था, हमने एग्रीकल्चर बोला था, एग्रीकल्चर वाज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमी। व्हीट, वार्ली, डेट, सीसम, ये सब उगाते थे, और इवन कॉटन, सबसे पहले इन्होंने ही कॉटन उगाया। और क्योंकि आपको पता है भाई सॉइल तो इतना ज्यादा फर्टाइल है, क्लियर? क्योंकि भाई इंडस्ट्री वाले सॉइल इतना ज्यादा फर्टाइल होगा। और इवन जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा फील्ड मिला है जो जुताई किया हुआ फील्ड है, इससे साफ साफ पता चल जाता है कि भाई नहीं यहाँ पे। और आप मुझे बताओ, अब खुद याद करो कि जुताई किया हुआ फील्ड कहाँ पे हमें मिला है, ये बताना है आपको, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट कहाँ नॉट फाउंड इन द एक्सकावेशन ऑफ टेराकोटा। भाई टेराकोटा मतलब जितने खिलौने मिले हैं ना, चाहे मिट्टी के या किसी और चीज के, स्टेरेटाइट के, तो उसमें कौन से जानवर हमें नहीं देखने को मिले? भाई बुफाइलो मिले, सीप मिले, काऊ नहीं मिले, पिग भी मिले, क्लियर? और एक और चीज, काउ वैदिक कल्चर में बहुत प्रोमिनेंट था। इस समय भी देखो, इस समय हमें बुल मिले हैं, तो हमें लगा है कि काउ होगा, होना ही चाहिए, लेकिन एज सच हमें जो एकदम प्रमाण मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस चीज की पूजा करते थे? भाई कितने बार बताया, पशुपति, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज, द पशुपति सील जो मोहनजोदारो में मिला था ना, उन जो पशुपति महादेव थे उनके तीन फेस थे, विन दो हॉर्न, क्लियर? तीन फेस, दो हॉर्न थे जो थ्री फेस होते थे, एक इधर, एक इधर, एक आगे जो शो करते हैं, और इवन पीछे भी रहा होगा जो, क्योंकि 2D पिक्चर है तो हमें दिखता नहीं होगा। और एक और चीज, दो हॉर्न और एक उनके सराउंडिंग में चार जानवर हुआ करते थे, दो हॉर्न भी उनके पास था, चार जानवर, इन चार जानवर याद रखना है, टाइगर, राइनो, बुफेलो और एलिफेंट। ध्यान देना, टाइगर, राइनो, बुफेलो और एलिफेंट आपसे पूछ सकता है, ऐसे ऑप्शन देगा कि आप इसमें से कौन सा जानवर पशुपति जी के सामने नहीं थे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन मान लो यहाँ पे आपको रख दिया बुल, तो आप ऑप्शन गलत कर सकते हो, क्लियर? उसके अलावा दो डियर भी थे इनके फीट के पास, क्लियर? चलो आगे करते हैं, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखो, तब तक मैं इसको वेदी के वाला भी मैं बना रहा हूँ अभी जस्ट, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। और क्योंकि आप देखो, आप में से बहुत लोगों का कमेंट ऐसे मैं पढ़ता हूँ तो लगता है यार इनको मिला ही नहीं स्टार्टिंग में, तो जिनको अब मिल चुका है उनका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक तो पहुँचाने का, क्योंकि शेयर करने से ही होगा, वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्लियर ना? क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं एडवर्टाइज करवाऊँ, क्लियर? तो आप ही कर सकते हो, कर रहे। और चलिए, और अगर आप, आपको लगता है कि शेयर के अलावा आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं, और आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। चलिए बाय बाय। और जो यहाँ तक देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बनाना चाहिए वीडियो, और मुझे लगेगा कि लास्ट तक देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट क्या लिखें, IVC लिखेंगे कमेंट में। चलो बाय बाय।